एक आदमी एक बार एक रास्ते से गुजर रहा था, तो वो क्या देखता है कि रास्ते के एक तरफ पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा हाथी खड़ा है, और जो हाथी है उसको एक बहुत ही पतली रस्सी से बांधा हुआ है। वो रस्सी उसके पैर में पड़ी हुई है और हाथी इधर उधर कहीं भी नहीं जा रहा है। आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, ये तो बड़ी आसानी से इस रस्सी को तोड़ सकता है और जब चाहे यहां से भाग सकता है, तो ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा है। ये जानने के लिए वो उसके ट्रेनर के पास गया और उससे पूछा कि भाई, तुम इसको लोहे की जंजीर से क्यों नहीं बांधते, ये तो जब चाहे इस रस्सी को तोड़ सकता है। तो जो उसका ट्रेनर था, उसने बताया कि जब हाथी छोटा था तो उसको वो इस पतली रस्सी से बांधता था, और जो छोटा हाथी था उसने बहुत कोशिश की उस रस्सी को तोड़ने की, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वो कभी भी इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता है। इसके बाद जब हाथी इतना बड़ा हो गया कि वो बड़ी आसानी से रस्सी को तोड़ सकता था, फिर भी वो बात उसके दिमाग से गई नहीं। आज भी वो हाथी यही सोचता है कि उस छोटी सी रस्सी को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि बचपन में उसने जितनी बार ये कोशिश की वो उसमें फेल रहा। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी धारणाएं अपने दिमाग में लेकर के बैठ जाते हैं कि ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैं नहीं कर सकता। और इसका मुख्य कारण ये है कि कई बार हमने जिंदगी में उस कार्य को करने की कोशिश की, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। और जब हम किसी भी कार्य को करने में कई बार फेल हो जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम उस काम को कभी नहीं कर सकते। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हम अपने को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं और हम अपने को इस लायक बना सकते हैं कि हम उस कार्य को अच्छी तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, अगर हम ज़िंदगी में सफलता को पाना चाहते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें जानना कि अगर हम पहले फेल हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे उसमें सफलता नहीं पा सकते। हमें हमेशा अपने को इम्प्रूव करना है और अपनी गलतियों से सीखना है, और फिर हमें जो भी हमें ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए हमें भरपूर प्रयत्न करना है। और आप देखेंगे कि आप अगर किसी कार्य में पहले नहीं सफल हुए हैं, तो आप दोबारा उसमें सफल होंगे अगर आप लगातार प्रयत्न करते रहेंगे।